नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है और सभी की बैंड बजी पड़ी है पूरे दुनिया में, हर एक देश की, ऐसे में एक इवेंट ऐसा हो रहा है कि जिस पर नज़र कम लोगों की है। दरअसल पूरी दुनिया में इस समय जो भी देश क्राइसिस में, सबके बीच होड़ मची है भारत को एक तरीके से अपना दोस्त बनाने की। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो पैसा डूबा है वो आने वाले समय में भारत में ही लगाकर वो वापस निकाला जा सकता है। कैसे, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में सारा। साथ ही फ्रांस क्यों यूरोप को एक तरीके से छोड़कर भारत के साथ संबंध मजबूत करने वाला है और ऐसी मांगे क्यों उठ रही वहां पर, और ये भारत के लिए कितना तगड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ी न सिर्फ इकोनॉमी है बल्कि बहुत बड़ी मिलिट्री भी है जो भारत को काफी लंबे समय से सपोर्ट करती आई है। आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा अंडररेटेड कहे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, हम जानते हैं कि भाई रूस और भारत दोस्त रहे या फिर अमेरिका भारत दोस्त है। आपको बता दूं कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, फ्रांस उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक था जिसने भारत का समर्थन किया था और यहां तक कह दिया था कि जी भारत को पूरा हक है अपनी सुरक्षा का, और वो भी चीन जैसे पड़ोसी के होते हुए। ये उनके प्रधानमंत्री ने उस समय बयान दिया था, जबकि लगभग सभी देश उस समय भारत के खिलाफ थे। तो ये इसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि अरब देश चाहते हैं कि वो भारत के साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस रखे, क्योंकि भारत जैसे कि उनकी बहुत ज्यादा पैसा डूबा हुआ है, इस समय तेल बिक नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि भारत में अपना जो सोवरजिन फंड है वो लगाएं, जिससे कि उनका पैसा आने वाले समय में, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, इससे भारत को फायदा होगा और उनका भी पैसा डबल होगा। दूसरी बात, भारत उनका एक बड़ा तेल बायर है, वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका रूस से तेल ना खरीद कर उनसे खरीदे, तो वो भारत को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। उधर रूस चाहता है, रूस को पता है कि भारत से, भारत ना उसका सबसे बड़ा डिफेंस एक तरीके से बड़ा पार्टनर है, भारत को सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि तेल भी भारत उनसे खरीदे जिससे कि उन्हें भी रेवेन्यू जनरेट हो। तीसरा, फ्रांस भी इस होड़ में कूद पड़ा है। जी हाँ, फ्रांस दरअसल एक तरीके से, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसे एक बार देख लेना, आपको स्क्रीन पर देख रहे होगी, जिसमें मैंने बताया था कि यूरोप को कैसे कोलैप्स होने वाला है। जी हाँ, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, यूरोपियन यूनियन के ऊपर मैंने बनाई और वो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, लाखों लाखों लोगों ने इसे देख चुके हैं, आप भी देखिएगा, जैसे कि अगर आपने नहीं देखी तो उसमें आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन हो जाएगी। हुआ क्या है कि यूरोप इस समय कोलैप्स होने की कगार पर है, डिटेल के लिए आपको वीडियो देखनी होगी क्योंकि क्या कारण बन रहे हैं। तो ऐसे में फ्रांस चाहता है कि वो, अगर ऐसा होता है फ्यूचर में आने वाले समय में या फिर नहीं भी होता है, तो वो चाहता है कि अब यूरोपियन यूनियन से अपनी क्लोजनेस कम की जाए, अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कम करके वो भारत की तरफ इसे बढ़ाए, क्योंकि भारत आने वाले समय में बहुत रफ्तार से बढ़ने वाला है, भारत में वो अपना पैसा डालने के साथ ही भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है, क्योंकि यूके एक समय में यूरोपियन यूनियन में जो उसका सबसे बड़ा पार्टनर था, जिसकी वजह से वो पूरा यूरोपियन यूनियन को डोमिनेट करता था, अब वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, ब्रेग्जिट हो गया है, तो ऐसे में उसका कुछ खास इंटरेस्ट अब बना नहीं है। अब वहां पर जर्मनी और नीदरलैंड एक तरीके से राज करते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन पे। जी हाँ, तो ऐसे में भारत उसके लिए एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका जो उसका एक पुराना साथी रहा है उस पर वो इतना खास भरोसा नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि कई बार अमेरिका उसे कई चीजों में धोखा दे चुका है, तो इसलिए वो भारत को अपना एक बड़ा पार्टनर बनाना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में ना सिर्फ इमर्जिंग मार्केट के लिए बल्कि एक अच्छा डिफेंस, एक भारत और उसका फ्रांस का एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, जिससे कि दोनों देश आने वाले समय में एक अच्छा कोऑपरेशन बना सके। ऐसा भारत और फ्रांस पहले भी कर चुके हैं। भारत, आपको पता होगा कि भारत और फ्रांस ने अभी एक डेढ़ साल पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। जी हाँ, इसके लिए भारत और फ्रांस की दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। तो ऐसा ही कुछ डिफेंस मैकेनिज्म शायद बना सकते हैं, और वहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ क्लोजनेस बढ़ाई जाए, भारत एक, क्योंकि लगता है उनके जो, मतलब कि मैंने बयान पढ़े हैं बहुत सारे, जो फ्रांस टाइम है, फ्रांस 24 जैसे न्यूज़पेपर में जो पढ़े हैं, उसमें जो लोकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी भारत एक भरोसेमंद और एक स्टेबल कंट्री है, इस चीज को वो ज्यादा देख रहे हैं, और साथ ही एक लोकतांत्रिक देश है, तो इन मूल्यों को देखते हुए भारत एक उनका बड़ा पार्टनर बन सकता है। हालांकि देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हैं, अगर ये और अच्छे होंगे तो भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन कोरोना वायरस होने से एक फायदा भारत को हो गया कि दुनिया को भारत की इंपॉर्टेंस पता चली है। जी हाँ, तो फिलहाल तो स्टूडियो में इतना ही, जैसे मुझे और डिटेल मिलती है मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, नॉर्थ कोरिया के ऊपर वीडियो किसे किसे चाहिए कमेंट करके बता देना, क्योंकि पहले मैंने इस लिंक बनाई थी क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी थी, लेकिन अब कुछ नई अपडेट भी आई है तो उनके साथ में वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के बाद से आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।